इसका देखो टॉपिक जो है वो क्या है, मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र हम दो पार्ट पढ़ेंगे, आंतरिक भाग उसके सारे, ठीक है, और बाहरी भाग क्या क्या है, ठीक है, और थोड़ा इसके एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको देंगे। ठीक है, जैसे जानवरों को आँख चमकीली दिखाई देती है, किस कारण दिखाई देती है, क्या पाया जाता है उनमें, ठीक है, बाकी जो है स्टार्ट करते हैं। देखो तो मानव नेत्र, तो सबसे पहले मानव नेत्र होता कैसा, यानी मानव की नेत्र जो होती है वो होती कैसी, तो लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है बेटा? गोलाकार होती है। लगभग का मतलब इसका जो 95% भाग होता है वो लगभग कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, है 2-4% जो होता है जहाँ से सिराएं निकलती हैं केवल, वो भाग छोड़कर बाकी क्या होता है, गोलाकार होता है। आगे का थोड़ा सा भाग छोड़ देते हैं कॉर्निया का, ठीक है, बाकी कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, तो बोला जाता है कि मानव नेत्र जो होता है वो गोलाकार पिंड होता है। कैसा होता है? गोलाकार पिंड होता है। हम लोगों को बाहर से आग ऐसी दिखाई देती है, ठीक है, और ये आंतरिक वाले पार्ट बताएंगे आपको। तो बाहर के पार्ट हैं कौन कौन से पहले तो हम देख लेते हैं। तो मानव नेत्र का जो बाहर का भाग है वो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सफेद होता है आपका, होता है सबके आंख में, ऊपर नीचे कहीं भी करोगे आप, हिस्सा के सामने को छोड़कर बाकी कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। और इस सफेद वाले हिस्सों को बोलते हैं बेटा दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। ठीक है, ये पूरा हिस्सा दृढ़ पटल होता है। दृढ़ का मतलब होता है ठोस होता है, पटल का मतलब परत इसकी। ठीक है, ये ठोस परत होती है और ये अपारदर्शी होती है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते, ये ऐसी परत होती है। ठीक है, और हमारी आंखों को ये क्या होती है, चोटों से बचाती रहती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद बीच में हम ये अलग गोला दिखाई देता है, एक बड़ा सा। ठीक है, ये जो गोला होता है इसको बोलते हैं आयरिस। क्या कहते हैं बेटा? आयरिस। और ये आयरिस तीन कलर की होती है। ठीक है, किसी किसी की आंख नीली होती है, ठीक है, किसी किसी कैसी होती है बेटा, काली, और किसी किसी कैसी होती है भूरी। ठीक है, तीन कलर की होती है आयरिस, इसलिए इसको बोलते हैं रंगीन झिल्ली। क्या बोलते हैं? रंगीन का मतलब कई कलर में, या तो नीली होगी या काली होगी या कैसी होती है, भूरी होती है। ठीक है, तो ये रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, बोला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। इसका कार अभी बताएंगे आगे आपको। एक बीच में आके देखा होगा कि एक तो ये बड़ा हो गया, उसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है, इस भाग को हम पुतली कहा करते हैं। क्या कहते हैं? इस भाग को हम क्या कहते हैं? पुतली। और इसी भाग से होकर जो होता है हमारा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, यानी लेंस पर प्रवेश करता है, और लेंस क्या है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो ये थे उसके बाहरी भाग, ये सफेद वाला हिस्सा दृढ़पटल। तो दृढ़पटल करता क्या है, हमारी आंखों को क्या होता है, चोटों से बचाता रहता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बीच में क्या हमारा है, जो दिखाई देता है गोल गोल हिस्सा जो रंगीन होता है, आयरिस कहलाती है। और आयरिस के बीच में छोटा छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आयरिस रंगीन होती है, क्यों? क्योंकि किसी की आंख नीली, काली, भूरी पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा कुछ व्यास। तो जो मानव नेत्र का गोला होता है ना, इस गोले का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर व्यास की आंख होती है हमारी। कितनी होती है? 2.3। मानव नेत्र बता रहे आपको, ठीक है, मानव नेत्र का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। और कितनी मांसपेशियों से जुड़ा होता है ये, अगर आप चाहो तो आंखें निकल आती हैं बाहर, बस कितनी मांसपेशियों में फंसी होती है, 6। ठीक है, ये 6 मांसपेशियां अगर पकड़ खींच लोगे टूट जाएंगी, तो आंखें पूरी पूरी कहां जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। ठीक, तो मांसपेशियां कितनी होती है हमारी आंखों जो जुड़ी होती है, कितनी होती है बेटा, 6 होती हैं। अब देखो, तो हम आपको बता दें, अगर एग्जाम की बात करें तो हाई स्कूल और जो हमारा इंटर है, ठीक, दोनों में टॉपिक मिलेगा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। हाई स्कूल में तो हर साल ही आता है, ठीक है, इंटर में जूनियर के हिसाब से, इंटर में ही पढ़ाया जाता है क्योंकि चैप्टर है हमारा, ठीक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शनल तो कन्फर्म आते हैं, तो सब बताए जाएंगे। ऑप्शन भी कैसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग कैसे पूछा जाता है बताते हैं आपको। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जो लॉन्ग में आता है, लिखा होगा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र के साथ इसका नामांकित चित्र बनाए फिर उसका वर्णन करें। तो वर्णन कैसे करेंगे, तो जितने हमारे पास नाम लिखे हैं इनके बारे में लिखना है हमको, ठीक है, इनका कार्य क्या है, ठीक है, ये है क्या, हमें सब लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो मानव नेत्र तीन परतों से मिलकर बना होता है बेटा। कितनी परतों से मिलकर बना होता है? तीन परतों से। देखो जो बनी हुई है, पहली ब्लैक कलर की है, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया, जो ऊपरी भाग जो हमें दिखाई देता है, जो हमने बताया आपको सफेद भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, श्वेत परत होती है, श्वेत मतलब हल्का पीले रंग का, सफेद नहीं बोला जाता बिल्कुल, ठीक है, दृढ़ पटल। अच्छा,
बीच वाली जो परत होती है रेड, रेड इसलिए बनाई क्योंकि इसको बोलते हैं रक्त पटल। इसी पर जो जितने भी आंख में ब्लड सर्कुलेशन जो बनाए रखता है, भेजता है, उसका काम किसका काम होता है, रक्त पटल का, यानी रक्त पटल का, इसको कोरोइड भी कहा जाता है, ठीक है, दूसरा नाम है इसका, ठीक। तो ये जो रेड कलर की, इसको बोलते हैं रक्त पटल, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए पूरी इसी पर ब्लड क्या होता है, चलता रहता है हमारा पूरी आंख का। तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है परत हमारी रेटिना। रेटिना पर ही वस्तु का, मनुष्य का, किसी भी चीज का हमारी आंखों पर क्या बनता है, प्रतिबिंब, इमेज बनती है, जिससे हम वस्तुएं क्या होती है, हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। कहां पर बेटा, रेटिना पर। अच्छा, रेटिना के बाद लिखा है पीत बिंदु, ये एक अच्छी चीज, स्पष्ट चीजें हैं। रेटिना तो ग्रीन कलर की बनाई गई है और पॉइंट हमने ग्रीन कलर बनाया पीत बिंदु का, ठीक। पीत बिंदु जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब तो स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, और पीत बिंदु पर बनने वाला सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। एक पॉइंट और होता है इसी में, अगर आपको हम बताएं तो इसके बीच में स्पॉट होता है छोटा सा, ठीक है। इस पर अगर कोई प्रतिबिंब बन गया तो आप बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से, आप अगर जैसे किसी को टारगेट कर रहे हैं, या जितने स्नाइपर वाले होते हैं जो हमारे आर्मी आर्मी वाले काफी देर तक निशाना लगाए रखते हैं, करते क्या है, पहले प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं वो, उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करके कहां बनाते हैं वो, पीत बिंदु पर, फिर थोड़ी देर और मेहनत करके वो कहां बना लेते हैं उसका प्रतिबिंब, पीत बिंदु के सेंटर पर, ठीक है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां होता है, बिल्कुल स्पष्ट प्राप्त होता है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है हमको। पीत बिंदु के नीचे क्या है बेटा, अंध बिंदु है, इसका भी कार्य ही बताएंगे हम क्या होता है आपको, ठीक। आगे वाले से तो कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 आगे है हमारे, देखो सबसे ऊपरी भाग जो मानव नेत्र हमारा आगे से इस प्रकार का होता है ना, ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कॉर्निया, क्या कहते हैं इसको, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो हमारे आंसू गिरते हैं ना आंखों से, ठीक है, इनको कहते हैं जली द्रव, ये हल्का नमकीन होता है, ठीक है, कैसा होता है, जली द्रव, ठीक। जली द्रव के पीछे ये जो दिखाई गई आपको ये ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर के नाम हमने क्या दिया, ये आयरिस, अभी हमने बताया आपको, ये है हमारी आयरिस जो ये बनी हुई है ना, ठीक, मांसपेशियों से बनी होती है, ठीक है, ये आयरिस कहलाती हैं। और आयरिस के बीच में छोटा छिद्र होता है जो हमने आपको बताया, इसे हम पुतली कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और ये हमारा लेंस है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। अंदर कांच द्रव होता है, मतलब ये क्या होता है, कांच मतलब गाढ़ा, ठीक है, और गाढ़े रंग का पारदर्शी द्रव होता है, ठीक है, इसको हम कांच द्रव कहते हैं। इसका भी कार्य अलग होता है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है सदैव 1.34 होता है, ठीक है, इसका अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दृढ़ पटल क्या है और इसका कार्य क्या है, तो दृढ़ पटल जो है तो ये है क्या, तो ये नेत्र गोलक के सामने को हम छोड़ दें, सामने के भाग को अगर छोड़ दें तो चारों ओर से जिस परत से घिरा होता है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। कैसी होती है, तो श्वेत होती है और अपारदर्शी होती है। तो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से जो घिरा होता है उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। उस परत को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल, जो हमारी आंखों को बाहरी चोटों से बचाता है, हमारी आंखों की क्या करता है, सुरक्षा करता है बाहरी चोटों से। अच्छा, रक्तक पटल, तो रक्तक पटल क्या होता है, तो रक्तक पटल जो होता है जितने आंख में जितना ब्लड सर्कुलेट होता है, जितना भी चलता है वो किस पटल पर, किस परत पर चलता है, रक्तक पटल पर चलता है, ठीक है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने का काम करती है आंख नेत्र पर। उसके निचले भाग है तीसरी परत जो है रेटिना, पहली दृढ़ पटल, दूसरी रक्तक पटल, तीसरी रेटिना, तीन परतें होती हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और रेटिना। रेटिना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके पास रेटिना नहीं वो अंधा व्यक्ति होता है, क्योंकि अगर प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं हमें। रेटिना, रेटिना कार्य, रेटिना क्या है, तो हम लिख सकते हैं रक्तक पटल के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। और जो रेटिना होती है, मनुष्य जो प्रतिबिंब बनाता है अपनी आंखों पर वो कहाँ बनाता है, रेटिना पर। तो ये क्वेश्चन एक नंबर का आता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब सदैव कहाँ प्राप्त होता है, रेटिना पर। मानव नेत्र का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर प्राप्त होता है, ठीक, ये एक नंबर क्वेश्चन था, हम लिख सकते हैं। पीत बिंदु, तो अगर पूछे वो दोनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंस है, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, रेटिना पर, स्पष्ट कहाँ प्राप्त होता है, तो पीत बिंदु पर। ये पीले रंग का बिंदु होता है, पीले रंग का स्पॉट होता है जो कहाँ होता है, रेटिना के मध्य यानी बीचों बीच स्थित होता है, ठीक, रेटिना के बीचों बीच पीले रंग का बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है, ठीक है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है।
तो यानी अगर हम किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट देखना चाहते हैं, निशाना उसी पर लगाना चाहते हैं, तो हम थोड़ी देर क्या करते हैं, हम प्रतिबिंब बनाते हैं। और अगर प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, हमारी रेटिना पर, तो हाँ रेटिना के कहाँ बन जाता, पीत बिंदु पर, तो उस व्यक्ति पर हम निशाना स्पष्ट रूप से लगा सकते हैं। उसके बाद देखो, ठीक है, हाँ आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हमारा अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है कि जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब जब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर, तो वस्तु दिखाई तो देने लगती है, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे, हम देख क्या रहे, तो वो पता लगाने वाला काम हमारा मस्तिष्क करता है, यानी माइंड करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बना उससे प्रकाश सिराएं निकलती हैं, तो किसी न किसी भाग से होकर जाएंगे ना मस्तिष्क पे ऊपर, ठीक है, तो वो भाग है हमारा अंध बिंदु। अंध बिंदु को छेद कर, यानी भेद कर, और कहाँ जाती है, मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क बताता है हमने क्या देखा, ठीक है। अगर हम कोई वस्तु देख रहे हैं, मान लो हमने क्या देखा, हमने कोई एक व्यक्ति को देखा, उसका प्रतिबिंब बन गया हमारी आंखों पर, हमें दिख रहा है, परंतु हम देख तो रहे हैं, लेकिन जानकारी कौन देगा कि देख क्या रहे हैं, तो यहाँ से सिराएं निकल के जाएंगी, कहाँ जाएंगी, माइंड पर, माइंड बताएगा हमने क्या देखा, ठीक है। और ये क्रिया बहुत तेज होती है बेटा, ठीक है। तो अंध बिंदु से प्रकाश सिराए भेद कर कहाँ जाती है, मस्तिष्क तक होकर जाती है, ठीक है। तो अंध बिंदु से होकर प्रकाश सिराए कहाँ जाती है, मस्तिष्क पर। हाँ, अंध बिंदु क्या है बेटा, तो प्रकाश, अंध बिंदु का कार्य क्या होता है, तो अंध बिंदु एक छोटा छिद्र होता है, काला पॉइंट होता है, ठीक है। अंध का मतलब अंधेरा, अंधेरा कैसा होता है, काला, तो एक काले कलर का बिंदु होता है, स्पॉट होता है, ठीक है। और इसकी अगर विशेषता बताएं तो इस जगह प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो भी हम देखते हैं, यानी जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं, ठीक है, उससे निकलने वाली प्रकाश सिराएं कहाँ टकराती हैं, अंध बिंदु पर, और अंध बिंदु से होकर कहाँ जाती है, मस्तिष्क पर। तो मस्तिष्क हमें बताता है हमने क्या चीज देखी है, इसने केवल इमेज बनाई, ठीक, और बताने का काम कौन करता है कि देख क्या रहे हैं, तो माइंड करता है हमारा, ठीक, ब्रेन करता है। तो अंध बिंदु से प्रकाश सिराएं होकर कहां तक जाती है बेटा, मस्तिष्क तक जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इधर के हो गए, इधर देखो, तो ये सबसे जो पहला भाग ऊपर का भाग ये जो दिख रहा है हमें, आंख हमारी इस प्रकार का आगे से होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं हम, आयरिस। ये पारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आंख में टेम्पर्ड का कार्य करता है, जैसे फोनोम टेम्पर्ड लगा होता ना ऊपर से, अपने अंदर के ग्लास को बचाने के लिए ऊपर से आर्टिफिशियल लगाया जाता है, टेम्पर्ड लगाया जाता है, सेम वही आंख को अंदर से बचाने के लिए ये टेम्पर्ड का कार्य करता है, पारदर्शी होता है, ऊपर से लगा होता है, ठीक है। कुछ समय बाद जब लोगों को धुंधला दिखाई देने लगता है तो कुछ नहीं होता, इसी टेम्पर्ड के क्या होता है, चलाए चलाए हम लोग के टेम्पर्ड क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, अंदर धुंधला दिखता है, ऐसे ही समय के साथ ही क्या होता है, जब ये गंदा हो जाता है तो लोगों को कैसे दिखाई, धुंधला दिखाई देता है। और नेत्र दान करते समय भी कभी नेत्र गोला नहीं दान होता है, केवल क्या दान होता है, ये हमारा क्या दान होता है बेटा, कॉर्निया, ठीक, केवल इसी को हम दान करते हैं। ये जिसका स्पष्ट साफ सुथरा होता है, निकाल के दूसरे मनुष्य के लगा दिया जाता है तो उसको साफ दिखाई देने लगता है, ठीक है। पूरी नेत्रदान कभी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो कॉर्निया तो सबसे पहले है क्या, तो नेत्र गोलक का ये उभरा हुआ भाग है, दिख रहा है हमको आगे से उभरा है, तो नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग पारदर्शी कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे निकल जाता है कि मानव नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश किस भाग को स्पर्श करेगा, तो सबसे पहले स्पर्श करता है कॉर्निया को, प्रकाश सबसे पहले मानव नेत्र में कहां गिरेगा, कॉर्निया पे, कॉर्निया से कहां जाएगा, जलीद्रव, जलीद्रव से पुतली, पुतली से लेंस, और लेंस में कहां बनाएगा प्रतिबिंब जाकर, रेटिना पर। तो सर्वप्रथम प्रकाश किस भाग को मानव नेत्र के स्पर्श करता है, तो वो कौन सा भाग बेटा, कॉर्निया हमारा, ठीक है। अच्छा, कॉर्निया के बाद हम उसके पीछे देख रहे हैं जो द्रव भरा हुआ है, द्रव का नाम है जलीय द्रव, कैसा द्रव, जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है, ये तो जल के समान द्रव, जल के समान लिक्विड होता है, जो हमारे आंसू होते हैं, ठीक है, और ये हल्का नमकीन होता है, ठीक है, जैसे NaCl होता है हमारा, ठीक है, हल्का नमकीन होता है ये, और जो आंसू आंसू आपके गिरते हैं यही होता है जलीय द्रव, ठीक है। ये क्या करता है, तो कुछ नहीं, संतुलन नेत्र का यहाँ पर क्या करता है, ये हमारे कि ये संतुलन बनाए रखता है, जैसे कोई प्रकाश आता है तो प्रकाश को नियंत्रित कर ले, ठीक है, उचित मात्रा में अंदर भेजता है ये, ठीक है, तो उसका कार्य करता है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा आयरिस। क्या आती है हमारी आयरिस, ये जो बनी है, जो लाइनें खींची, इनको हम क्या कहते हैं, आयरिस। आयरिस हमने बताया तीन कलर की होती है,
या तो काली होगी या नीली होगी या कैसी होगी बेटा, भूरी होगी। ठीक है, तीन कलर की होती है। तो इसमें लिखते क्या है कि आरएस में लिखेंगे जलीय द्रव के पीछे रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। ठीक है, रंगीन क्यों बोल रहे हैं बताया हमने आपको, ये कई कलर यानी तीन कलर में होती है, या तो काली या भूरी या कैसी होगी नीली, इसलिए रंगीन झिल्ली बोला जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? तो आयरिस जो होती है, आयरिस का काम जो होता है वो फोकस दूरी को नियंत्रित करना, मानव नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना। कैसे? जो हमारा ये हमारी आयरिस है, नेत्र लेंस यहां रखा होता है। ठीक है, जो नेत्र लेंस हमारे इनके बीच में रखा होता है, रखा क्या होता है नेत्र लेंस से, इसको मांसपेशियों से क्या होती है, जुड़ी होती है नेत्र लेंस से। अब जब हम दूर की वस्तुएं देखते हैं तो आंखों को फैलाया करते हैं। फैलाने का मतलब क्या होता है? आयरिस को फैलाया। और जब आयरिस फैलेगी, ठीक है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश जाएगा और दूर से दूर की वस्तुओं टकराकर प्रकाश हमारी आंखों पर पड़े और वस्तु क्या हो, दिखाई दे। तो जब आंखों को फैलाते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। अच्छा, जब पास की वस्तुएं देखते हैं तो आंखों पर जोर पड़ता है। जोर क्यों पड़ता है? क्योंकि ये मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। और जब सिकुड़ेंगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे उतना ही प्रकाश जाए जितने जितने पास के वस्तु देख रहे हैं, टकराए और हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब बने। ठीक, तो नेत्र लेंस को हमारी आवश्यकता अनुसार ये क्या करता है? समायोजित करता है। ठीक है, दूर की वस्तु देखेंगे तो फैलेगा, पास की वस्तु देखेंगे सिकुड़ेगा। ठीक है, और फोकस दूरी को कम या ज्यादा करेगा लेंस की। तो आयरिस का कार्य मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित करना। ठीक है, ये आयरिस का कार्य होता है कि फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार क्या करें, हम समायोजित करेंगे। आयरिस के बीचों बीच, ये आयरिस थी, इसके बीचों बीच छोटा छिद्र होता है हमारी आंख पर। ये बड़ा गोला होता है, एक छोटा होता है। ठीक है, ये जो छोटा गोला होता है इसे हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं इसको? पुतली। इसका दूसरा नाम है नेत्र तारा। ठीक है, पुतली बोला जाता है और नेत्र तारा भी बोला जाता है। तो ये पुतली क्या है? तो पुतली आयरिस के बीचों बीच पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है नेत्र लेंस तक प्रकाश को पहुंचाना। ठीक है, सर्वप्रथम प्रकाश आयरिस को, सॉरी, कॉर्निया को स्पर्श करता है। ठीक, पुतली पे गिरेगा, पुतली से नेत्र लेंस पर। तो नेत्र लेंस पर प्रकाश को भेजने का कार्य कौन करता है? तो आप में ऑप्शन में आप लिख सकते हैं कौन करता है, पुतली करता है। नेत्र लेंस में प्रकाश कौन भेजेगा? पुतली। आंख में सर्वप्रथम प्रकाश किस भाग को स्पर्श करेगा? कॉर्निया। प्रतिबिंब कहां बनता है मानव नेत्र का? रेटिना पर। स्पष्ट कहां बनता है? पीत बिंदु पर। ठीक है, तो नेत्र लेंस से प्रकाश भेजने काम किसका बेटा? पुतली का या नेत्र तारा का। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा नेत्र लेंस क्या होता है। हमने कॉर्निया पढ़ लिया, पुतली पढ़ ली, जलीय द्रव पढ़ लिया, आयरिस पढ़ ली, अब क्या बचा हमारा? नेत्र लेंस। तो हम ये सीधा सीधा है, लेंस नहीं होगा तो प्रकाश अंदर जाकर भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, बिना लेंस के नहीं बन सकता, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मानव नेत्र में लेंस होना बहुत आवश्यक है। जिसके लेंस नहीं होता या खराब होता वो भी व्यक्ति अंधा होता है बेटा। ठीक है, अच्छा, तो मानव नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या है? तो नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। नेत्र लेंस द्वारा ही प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। अच्छा, ये है क्या? तो ये ऊतकों का बना होता है, टिश्यूज का बना होता है ये, और इसके पास दोनों फोकस दूरियां पाई जाती है, इसलिए इसको द्विफोकसी लेंस कहा जाता है। उत्तल के भी गुण होते हैं, अवतल के भी गुण होते हैं इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं ये मांसपेशी, क्या नाम, ऊतकों का बना द्विफोकसी लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, किसका बना होता है? ऊतक का। कितनी फोकस दूरी है? दोनों उत्तल के भी गुण होते हैं, अवतल के भी गुण होते हैं। एक एक चीज और है, ये आगे से हल्का फ्लैट होता है, पीछे की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है इसकी। तो पूछा जाए मानव नेत्र लेंस में किस हिस्से की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, तो पीछे वाले फ्रंट लीजिए। ठीक है, इसके पीछे वाले की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है आगे की अपेक्षा। ठीक है, अच्छा, कार्य क्या है? तो कार्य है कि नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। ठीक है, नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? रेटिना पर हमें प्राप्त होता है। लास्ट में दिख रहा है, लिखा है कांच द्रव, कांचभ्य द्रव भी कहा जाता है, इसको कांची द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, कांच द्रव जिसका अपवर्तनांक हमने पढ़ रखा है कितना होता है सदैव 1.34। कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा? 1.34। अच्छा, कांच द्रव है क्या ये? तो ये पहली चीज, गाढ़े रंग का तरल पदार्थ, द्रव है तो लिक्विड है, हम जानते हैं गाढ़े रंग का तरल पदार्थ है हमारा। ठीक है, अच्छा है क्या? तो इसका कार्य क्या है? तो ये पहली चीज, मानव नेत्र को गोलाकार बनाए रखना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक पन्नी ले लो और पन्नी में पानी भर दो, तो जितना पानी भरोगे वैसा ही सेप बना लेगी, गोल चाकू जैसा करोगे वैसा सेप बना लेती हो।
पन्नी को दबाया तो पन्नी दब गई, परंतु जैसे छोड़ा फिर कैसी हो गई, गोल। सेम ये क्या करता है, मानव नेत्र को गोलाकार बनाए रखता है। अगर बाहर से चोट लगी दबा तो फिर से उसको उसी आकार में क्या होता है, ले आता है। जब बहुत अधिक चोट लग जाती है, लोग कहते हैं ना आंख बहने लगी, तो बहने का कारण यही होता है कि अगर चोट लगी और बह रही तो इसका मतलब अंदर तक लगी, और फिर यहां से द्रव कहां आ जाता है, बाहर। अगर द्रव आ गया बाहर तो आंख कैसी होती, सिकुड़ जाती है, फिर वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कांच द्रव का कारण होता है मानव नेत्र लेंस, सॉरी मानव नेत्र गोलक को गोलाकार क्या होता है, बनाए रखता है ये हमारे, ठीक है, सेव को बनाए रखता है। ठीक है, और जो प्रकाश किरणें गिरती हैं उन प्रकाश किरणों को नियंत्रित करके कहाँ गिराता है, वो रेटिना पर गिराता है। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे क्या हो गए, सारे पार्ट हो गए। अब हम इनके ऑप्शन बताते हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन, तो सबसे पहले आपसे जो अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो रेटिना पर। दूसरा पूछा जाता है स्पष्ट कहां बनता है प्रतिबिंब, तो पीत बिंदु पर। किस भाग पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस भाग से होकर प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाएंगी, माइंड तक जाएंगी, तो अंध बिंदु से होकर कहां जाती है, मस्तिष्क तक जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मानव नेत्र में, मानव नेत्र लेंस में, ठीक है, किस रेखे किस पटल पर रक्त का कार्य होता है, यानी कौन सा रक्त रक्त सॉरी जो ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखती है वो कौन रखती है, रक्तक पटल या कोरोइड बनाए रखती है। ठीक है, नेत्र गोला का दृढ़ भाग कौन सा है, तो सबसे ऊपरी भाग जो श्वेत रंग का होता है वो दृढ़ भाग है और अपारदर्शी होता है। ठीक, अच्छा मानव नेत्र सर्वप्रथम किस भाग को स्पर्श करता है, तो सबसे पहले आगे वाले भाग, आगे वाला भाग कौन सा हमारा, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या कॉर्निया के पीछे क्या है, तो जली द्रव, जली द्रव है, जली द्रव के पीछे क्या है, आयरिस। आयरिस का कार्य ये इंपॉर्टेंट, तो आयरिस का कार्य क्या होता है, आपसे पूछ लिया था कि बेटा आयरिस मानव नेत्र में आयरिस का कार्य क्या होता है, तो मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना आयरिस का कार्य है। भाई अगर दो चीजों के बीच में कोई चीज फंसी है, घसीटेंगे या उसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, आयरिस कर रही है, किसको, लेंस को। तो लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा भी रही है और घटा भी रही है, कब, हमारी आवश्यकता अनुसार, दूर की वस्तु और पास की वस्तु देखते समय। ठीक है, ये चीजें हम लोग को अधिकांश, जैसे बिल्ली की आंख है रात में देखो गोल हो जाती है, और दिन में कैसी होती बेटा इस प्रकार की, अगर आपने गौर से देखी है, और रात में कैसी हो जाती, गोल हो जाती है रात में। क्यों क्यों, क्योंकि उसको अधिक से अधिक प्रकाश चाहिए, अधिक से अधिक प्रकाश चाहिए, और रात में प्रकाश कम होता है, तो अधिक से प्रकाश मिले ताकि वो प्रतिबिंब बनाए हमारी अपनी आंखों पर और किसी वस्तु को देख सके। ठीक है, और दिन में ज्यादा प्रकाश होता है तो उसको उतना ही चाहिए जितने वस्तु दिखाई दे, तो ये चपटी हो जाती है। ठीक, उतना ही प्रकाश जाता है जितनी उसको आवश्यकता है। अच्छा, अब एक चीज और आपने देखी होगी, कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गए, जानवर हो गए, उनकी आंखें चमकती क्यों है, है ना, तो चमकती किस कारण है, तो चमकने का कारण एक ही है, जेडन, अगर आपने पढ़ा रखा है, जिंक उनकी आंखों में। ठीक है, जिंक एक द्रव पाया जाता है, उसमें पाया जाता है जिंक, और जिंक के कारण जितने भी जानवर हैं उनकी आंखों पर ये लिक्विड कारण क्या होती है, चमकती रहती है। ठीक है, अच्छा जो लिक्विड है उसको बोलते हैं टिपिडम लुसिडम, ऐसे ऐसे तो नाम इनके, टिपिडम लुसिडम नामक पदार्थ जो द्रव पाया जाता है उसमें सबसे अधिक मात्रा होती है जिंक की, और इस जिंक के कारण जो आंखें होती हैं जानवरों की वो क्या होती है, चमकदार दिखाई देती है हमको, कैसे दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। अच्छा, अब दूसरी चीज, यहां से प्रकाश सिराएं होकर मस्तिष्क तक जाती है, यही सिराएं जुड़ी होती है बेटा, जब इनको गौर से देखा गया सूक्ष्मदर्शी द्वारा और स्पष्ट रूप से, तो जब देखा गया तो दो प्रकार की क्या पाई गई हमारी है, सिराएं पाई गई, दो प्रकार की सिराएं पाई गई, कैसी, तो एक तो बेलनाकार, दूसरी शंकुआकार थी, इस प्रकार के ब्लॉक बने थे उस पर। ठीक है, शंकुआकार थी, दो प्रकार की हमने देखी उसमें क्या, जब हमने गौर से देखा दो प्रकार की सिराएं थी यहाँ पे, एक थी बेलनाकार दूसरी शंकुआकार। अब अगर अलग अलग है तो इनके कार भी कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, है क्या, तो जो शंकुआकार जो बेलनाकार थी, ये सिराएं रात में बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी, रात में ये यही सिराएं, इन्हीं सिराओं से हम लोग क्या होते हैं, वस्तुओं को जल्दी से जल्दी देख लेते हैं, जिनकी ये सिराएं कमजोर हो जाती हैं, ये सिराएं अधिकतम विटामिन ए की कमी से कमजोर होती हैं, जो हमें नहीं मिल पाती, और जब ये सिराएं कमजोर हो जाती है तो उस व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है, यानी रात में सबसे ज्यादा एक्टिव जो सिराएं होती हैं कौन सी होती है बेटा, ये बेलनाकार। ठीक है, अच्छा ये शंकुआकार है,
आपने सुना होगा कि लोगों को कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, जिसमें लोग सही रंगों की क्या नहीं कर पाते, पहचान नहीं कर पाते। कारण यही है, जो शंकुआकार जो थी इसमें क्या होता है, ये रंगों की पहचान कराता है। क्या कराता है? रंगों की। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाई देता, जैसा व्यक्ति होता वैसा काला नीला पीला कपड़े जैसे पहने वैसे दिखाई देता रंगीन। किस कारण? कलर बताने कारण होता है ये शंकुआकार शिराएं जो होती हैं, ठीक है, ये आपको कलर पहचानने का क्या करती है, कलर पहचानने के लिए सहायता करती है हमारी। ये जब कमजोर हो जाती है, ये शिराएं जब कमजोर हो जाती है, तो उस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ये जन्मजात होता है, अधिकांश 90% जन्मजात होता है, मतलब एक्स जीन की कमी से ये अधिकांश प्रभावित होता है। जब किसी कारण ये कमियां हो जाती हैं उसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसको रंगों की सही पहचान नहीं हो पाती है। तो ये दोनों जो सिराएं थी बेलनाकार, इससे रोग होने वाले कौन से, बेलनाकार सिराओं से होने वाले रोग जो है वो रतौंधी है हमारा, ठीक है। शंकुआकार सिराओं से रोग होने वाले कौन से, हमारे कलर ब्लाइंडनेस हमारा, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक। तो ये है मानव नेत्र हमारा। मानव नेत्र का व्यास हमने देखा 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं आंखों को जोड़े रखती हैं शरीर से, ठीक है, वो है कितनी, उतनी संख्या कितनी है, 6 है उनकी संख्या, कितनी है बेटा, 6 है, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।